चलना यार, ठीक है। बात करने का एक तमीज रखिए, ठीक है। पैसा खाया मतलब क्या, उसका पॉकेट में गया है ना, पता नहीं कहाँ पे गया है, और आप लोग रसीद नहीं लेके क्यों आए? सब कागज ले लिया, कागज ले लिया, उसके बाद जहाँ पे जाना है नहीं, आप ओपन लिया, सब फालतू बात क्यों कर रहे हैं? अपने ऊपर केस दिया है, वो नहीं बोल रहे दार्जिलिङदेखि सिलगढी जानुको लागि गाडी पनि पाएको छैनौँ हामीले, हो। अन्त भाडाहरू पनि ज्यादा ज्यादा भन्दैछ, भाडा दिँदाखेरि पनि गाडी नै छैन यहाँनिर। भाडा चाहिँ कतिसम्म चाहिँ भाडा भन्दैछ? भाडा 500 त अघि नै थियो, अहिले 600 भन्दैछ। यहाँको एक्चुअल भाडा चाहिँ कति हो? 300 भन्दा ज्यादा लिँदैछ यहाँको मान्छेहरूले। तपाईँहरूले यो भाडा सम्बन्धी यहाँका सम्बन्धित निकाय या प्रशासन समक्ष त्यो जान्नु चाहनु भएन, उहाँहरूलाई केही अपिल गर्नु भएन? हामी यहाँ त हामी टुरिस्ट हो, हामी त हिजो भर्खर आएको घुम्नुको लागि, यस्तो हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा थिएन। तपाईँहरू कति बजीदेखि चाहिँ यहाँनिर बस्नु? हामी 12 बजीदेखि काउन्टरमा त छैन। यो डाइरेक्ट गाडीको ड्राइभर भन्नुहुँदैछ उहाँहरूले चाहिँ, हजुर, टुरिस्टहरू बेसी भयो, गाडीको स्क्यासिटी, गाडी छैन, टुरिस्ट बेसी भयो भन्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ। के लाग्छ यो तपाईँहरूलाई? तपाईँहरूले यो सिन्डिकेटलाई चाहिँ केही अपिल गर्नु भएन गाडीको लागि? ये है कि टूरिस्ट सीजन है अभी, और कल से कुछ रेस्ट्रिक्शन भी चालू हो रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो इसीलिए कुछ कुछ जो टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं वो लोग आज ही लौटना चाह रहे हैं। तो ड्यू टू मतलब ईयर का फर्स्ट है अभी, सब लोग सेलिब्रेट करके निकलेंगे, तो गाड़ी भी थोड़ा सा कम है अभी, तो ये लोग सब नीचे जाना चाह रहे तो गाड़ी नहीं मिल रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत भाड़ा का भी प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि जो सिलीगुड़ी की रूट का गाड़ी है जिसका भाड़ा पर हेड 250 रुपीज़ है नीचे जाने के लिए, वो गाड़ी ऑलरेडी यहाँ पर कम है, नहीं मिल रहा है, तो ये लोग दूसरा गाड़ी को रिजर्व करके जा रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है, मैं अभी चेक किया आपके सामने ही, आप लोग देख रहे थे बात की, तो ये लोग का जो मानना है कि हमको अप डाउन का भाड़ा देना है, क्योंकि लौटने के टाइम में इन लोगों का भाड़ा नहीं मिलेगा तो वो उसका लॉस होगा, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा इन लोगों से बात करके मिला के अगर जा सकते हैं, सबका सुविधा देखना है, इनका भी देखना है, और ड्राइवर का भी लॉस हो ये भी हम नहीं चाहते हैं, तो ये लोग अपने अपने बात करके अगर जा पाते हैं तो जा सकते हैं। ये तो ठीक है सर, अभी शाम के लिए हम लोग तो मान लो, लेकिन सुबह से ही रेट 300-350 रुपया तक गया पर आदमी का भी, पर पर्सन, कल भी ऐसा ही हुआ। अच्छा, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे एक्चुअली आज शाम को ही मिला है, आप ही दिया है फोन करके, तो उसके बाद हम लोग एक्शन लिए, तो अगर कल हमको देते तो कल से हम लोग एक्शन लेते हैं। ऐसे भी हमारा ये चलता है, हमारा थाना से भी ऑफिसर चेक करते हैं, तो इधर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब आप जो सिंडिकेट से जो गाड़ी छोड़ता है आपके पीछे जो दिख रहे हैं, यहाँ पे जो है इन लोगों का पर्ची काट के जाता है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होता है, जो गाड़ी नीचे से भाड़ा लेके आता है वो जब लौटते हैं तब ये सब भूलभाल भाड़ा लेते हैं, तो हम लोग चेक कर रहे हैं, सबको चेक करते हैं। आप मैसेज मिलने के बाद, मैं सिर्फ इधर नहीं, काशियांग, सोनादा, उसमें भी मैं चेक करने के लिए पूरा बोल दिया था, तो चेक किया, सारा दिन चेक किया, एक दो तो पकड़े भी। सिंडिकेट की तरफ से हम लोगों को बाइक दिया गया है, ये प्रशासन देखता नहीं है, हम लोग कितना बाहर तो नहीं, अपना सामने हमारे सामने में यदि 5,000 करके ले जा रहा है तो हम कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए हम तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, इनका कहना है कि प्रशासन के तरफ से नहीं, ये ठीक नहीं बोल रहे, क्योंकि अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो हमको इन्फॉर्म करना चाहिए, है ना, अगर ये इधर बोल रहे हैं आप नीचे जाइए तो नीचे जाएगा, तो वो ये लोग ही बोलेगा कि हम लोगों को दूसरा पैसेंजर देता ही नहीं है, लाइन में आना पड़ता है, तो ये लोग इधर करना चाहिए कि जो आएगा सभी लाइन में, जैसे सिस्टम है ऐसे जाना चाहिए, तो हम लोगों को बोलने से हम लोग एक्शन लेते हैं, ऐसे नहीं कि कोई खराब काज करेगा, ज़्यादा पैसा लेगा, लोग के ऊपर प्रेशर डालेगा, ये जो हमारा अभी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम सिचुएशन का वो बेनिफिट लेगा, ये तो हम नहीं लेते देंगे।